सील पैक जवानी है। ये पूरा सील पैक है। मेरे भाई से नहीं टूट। अरे टूटेगा टूटेगा, टेंशन की बात नहीं। कुछ नहीं ले रहा, परेशान है 10 मिनट से, समझ में ना आ रहा क्या हो गया, इमरजेंसी में जाना है। आगे आप आइए थोड़ा सा। अरे तो प्रॉब्लम इसका बैटरी चेंज करवाओ ना, तो बैटरी क्या नहीं चेंज इसका, तो बैटरी के नहीं है। पैसा वैसा आइए नहीं है, कहाँ से, बहुत परेशानी में चल रहे हैं। पैसा है तो गाड़ी क्यों चलाते हो, तो इसका मैं बैटरी रिपेयर कर दूँ, 1 साल चलेगा बैटरी रिपेयर करने के बाद। बहुत आपका धन्यवाद। कितना दिन यूज किया है बैटरी, 3-4 साल यूज कर लिए? हाँ 3-4 साल हो गए। हाँ तो चलिए ना बैटरी रिपेयर करते हैं, आप वहाँ पर लगाइए ना, बैटरी रिपेयर करके आपको दिखाते हैं, यही बैटरी चलेगा 1 साल। चलिए तब कह दीजिए। हाँ चलिए चलिए, आप तो गजब करते हैं महाराज, गाड़ी ले लिए हैं बैटरी चेंज करवाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं बताता हूँ, अगर आपका बाइक का बैटरी ख़राब हो चुका है तो बैटरी अगर आपको रिपेयर करना है तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो बाइक का बैटरी ख़राब हुआ है इसको हम 1 साल अभी भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैं 2 तरीके से आपको बैटरी रिपेयर करने का बताऊंगा, जैसे कि एक लिथियम बैटरी इंस्टॉल करके, मतलब 200-300 रुपया खर्चा करके 5-6 साल में यूज कर सकता हूँ। और एक तरीका है जो कि वाटर की मदद से, क्योंकि इसमें ड्राई सेल होता है तो ड्राई सेल में मैं वाटर इंजेक्ट करूँगा, उसमें डालूंगा, जिससे कि यह बैटरी 1 साल और चलेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो मैं बाइक को ओपन कर लूँगा, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर बैटरी होता है। आइए इधर आइए कैमरा मैन साहब, मैं आपको दिखाइए। सबसे पहले हमें इस बैटरी देखिए प्लस पॉइंट, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो आप कैसे खोल रहे हैं यानी बैटरी कैसे रिमूव कर रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से वापस आपको सेट करना होगा। पीछे जाइए, देखिए बैटरी मैं रिमूव कर लिया है। अगर आपके घर में अगर इन्वर्टर बैटरी है तो इन्वर्टर बैटरी के अंदर डिस्टिल वाटर डाला हुआ रहता है, तो सिंपली आपको इसका कैप खोलना है कुछ इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तक पूरा पानी आपको दिख रहा होगा, तो आपको एक सिरिंज चाहिए जो कि 10 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो इसकी मदद से हम इसमें से कुछ वाटर को खींचेंगे, क्योंकि मैं ये बैटरी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक घर में इन्वर्टर बैटरी होता है और आपको आसानी से पानी मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको किस तरीके से खींचना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बैटरी है जो कि मैं बाइक से रिमूव किया है, तो सिंपली आपको करना क्या है, आपके पास कुछ ऐसा स्क्रू ड्राइवर चाहिए, देखिए, और सिंपली आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, इसके अंदर डालेंगे तो इसका ऊपर का परत रिमूव होगा, यहाँ से लेके ऐसे करके मैं आपको करके दिखाता हूँ।
पूरा सील पैक जवानी है ये पूरा सील पैक है नीरज भाई से नहीं टूट अरे टूटेगा टूटेगा टेंशन की बात नहीं पूरा सील पैक है, फर्स्ट टाइम खुला है तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना ही होता है। अब नेक्स्ट टाइम से पूरा ढीला हो जाएगा तो आराम से खुलेगा देखिए कुछ इस तरीके से आपको टूट नहीं रहा है, खुल रहा है कुछ इस तरीके से खोल लेना है। देखिए अरे दिख रहा है वीडियो में, थोड़ा पास लाइए ताकि अच्छे से दिखे। देखिए कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा मेहनत करना होगा क्योंकि ये पूरा सील रहता है। वाह बहुत मेहनत करके पड़ गया भाई जी। फर्स्ट टाइम खुला है ना तो थोड़ा मेहनत करना था। उसके बाद इसको जो है सिंपली आपको कुछ इस तरीके से फिक्स करना है ताकि बाद में आप फेविक्विक की मदद से इसे फिर वापस चिपका सके। ठीक है तो चलिए अभी मेन काम इसका है जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो भी आप हॉल देख रहे हैं इसी हॉल में आपको कुछ ml 2 से 3 ml आपको हर एक हॉल में सिंपली डाल देना है। ये जो डिस्टिल वाटर मैं जो बैटरी से रिमूव किया हूँ, जो इन्वर्टर बैटरी से जो मैं निकाला हूँ, यही आपको सिंपली इसमें डाल देना है। तो इसके लिए हमें यहाँ का जो नोजल होता है वो हमें इंसेट करना होगा, यानी डालना होगा इसमें। उसकी मदद से हम इसमें डाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर से चुभाना पड़ेगा तभी वो अंदर तक ये डिस्टिल वाटर जाएगा। तो चलिए मैं पहले ले के आता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये है, इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। पहले थोड़ा सा घींच लेते हैं उसके बाद। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो साइड साइड में हॉल आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपको नीडल डालना है और 2-2, 3-3 ml डाल देना है। तो चलिए मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो फर्स्ट वाले में सबसे पहले मैं डालता हूँ। देखिए इतना काफ़ी रहेगा और दूसरा में भी मैं डाल दिया। पकड़िए कैमरा, ऐसे ऐसे करके पूरे हॉल में आपको डाल देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको पानी डाल देना है जो कि मैं बैटरी से, जो इन्वर्टर बैटरी है उस इन्वर्टर बैटरी से मैं ये पानी को मैं निकाला था। वैसे अगर आपके पास कोई नॉर्मल पानी हो फिर भी चलेगा, और ज़्यादातर अगर 1250 अगर एसिड आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिलहाल इतना से भी काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं ये जो बैटरी है मैं वापस गाड़ी के अंदर सेट करता हूँ और देखता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लगभग 100% गारंटी ये काम करेगा ही करेगा। आप बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बैटरी अगर आपके बाइक में है और थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है उसी समय कुछ इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर बैटरी आप रख देते हैं 6 महीने साल भर उसके बाद अगर इस तरीके से रिपेयर करेंगे तो नहीं होगा। तो चलिए मैं इस बैटरी को गाड़ी के अंदर सेट करता हूँ।
कर दीजिए। देखिए मैं बैटरी को सेट कर दिया हूँ और इसका जो भी पैनल है सब मैं सेट कर दूंगा और आपका बाइक जो होगा आप करीब 1-2 किलोमीटर चलाएंगे तो सेल्फ लेना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए पहले मैं पैनल सेट कर लेता हूँ। काम कर रहा है, हम भी काम कर रहा है, सिर्फ सेल्फ नहीं ले रहा है। तो सिंपली हम अभी किक से स्टार्ट करने वाले हैं और थोड़ी दूर चला के देखेंगे। दोस्तों मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो पूरा प्रूफ के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सच्चाई है या नहीं है इस वीडियो में, इसलिए मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ। फाइनली 2-3 किलोमीटर में इस बाइक को चला लिया और 1-2 किलोमीटर में बैटरी चार्ज हुआ नहीं था, तो अभी मैं बाइक को न्यूट्रल करता हूं और देखता हूं स्टार्ट करता है या नहीं। देखिए कुछ इस तरीके से अब बैटरी रिपेयर कर सकते हैं और ये सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो लाऊं तब तक पहुँच पाए।